अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हलीम की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए चावल, मूंग दाल, माश दाल, गंदम, मसूर दाल, चने की दाल। अब हम एक बर्तन में तमाम दालें ऐड करेंगे। तमाम दालें मैंने ली थी आधा आधा कप और गंदम ली थी एक कप। अब हम तमाम दालों को बर्तन में डालकर वॉश करेंगे अच्छी तरह। दो से तीन बार अच्छी तरह पानी से वॉश कीजिए। तमाम दालों और गंदम को वॉश करने के बाद आप 3 से 4 घंटे के लिए भिगोकर रख सकती हैं या रात भर भी आप भिगोकर रख सकते हो। मैं यहाँ पर गंदम को अलहदा से भिगो रही हूँ ताकि गंदम अच्छी तरह से गल जाए। गंदम ज़्यादा टाइम लेती है। चार से पाँच घंटे के बाद मैंने अभी इन तमाम दालों को और गंदम को उबलने के लिए रख दिया था। अब ये देखिए उबल चुकी हैं। अब मैं इन्हें घोट रही हूँ। इसे आप ब्लेंड भी कर सकते हो। अब आप ब्राउन प्याज कर लीजिए। अब हम एक देगची में ऑयल गर्म करेंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। दो मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। अगर आप रेशे वाले हलीम चाहती हैं तो आप इसी तरह बड़ी बड़ी बोटियां डालें। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जिसमें हमारे पास शामिल है ज़ीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। अब हम तमाम मसालों को इस गोश्त में ऐड करके कुक करेंगे। आप इसे अच्छी तरह बोटियों को कुक कर ले। इसमें गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसमें 5 मिनट बाद मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही ऐड करने के बाद आप इसे मज़ीद कुक कर कीजिए। अब आप इसमें 2 लीटर पानी ऐड करके इसे गोश्त को टेंडर करने के लिए छोड़ दीजिए ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो जाए। ये देखिए हमारा गोश्त टेंडर हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें से ऑयल अलग बर्तन में ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे बोटियों को घोट लेंगे किसी घोटने की मदद से। आप ब्लेंड भी कर सकते हो। अब ये जो दालें घुटी हुई थी अब मैं इसे इन दालों को गोश्त में ऐड करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। बचा हुआ ऑयल भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अब इससे मज़ीद पकाएंगे। एक घंटे तक आप इसे मज़ीद पकाइए। देखिए इसके बाद हमारी हलीम एकदम रेडी है। आप इसे ब्राउन प्याज के साथ गार्निश कर लीजिए। अदरक, ग्रीन मिर्ची, चाट मसाला और हरे धनिया और लेमन के साथ।
मज़ेदार हलीम रेडी है।